सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। आप सभी लोगों का स्वागत है कौन नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। एंड आई नो गाइज कि मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, उसके लिए सॉरी। एंड गाइज मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं तो वीडियोस अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। दुख का खत्म नहीं होता बे, बट मैं ट्राई करूंगा वीडियोस अपलोड करने की। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो गाइस इस वीडियो में मेरे को बनाना है फुल नेदरराइट आर्मर। इन भाई साहब ने कमेंट किया था टूल्स बनाने को, तो मैंने सोचा पूरा आर्मर ही बना लेता हूं। तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा नेदर में, एंड भाई नेदर में थोड़ा खतरा रहता है, तो मैं डायमंड आर्मर इंचेंट करने के बाद ही जाऊँगा नेदर में। एंड थोड़ा सा इधर मैंने खेत वोत बनाया है, एंड पिछला एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाके देख लो। तो मैं ये सारी चीज़ें कट कर लेता हूँ तब तक। तो गाइस मैं तो खाता रहूँगा, मैं अपनी पहले गायों को खिलाता हूँ। एंड डायमंड आर्मर तो मैंने बना लिया था पिछले एपिसोड में ही, और इसमें पूरा फुल इंचेंट करूँगा नेदरराइट टूल्स एंड आर्मर। बट आगे क्या होता है आप लोग देखते रहना। एंड इन गायों को मैं तब तक खाना खिला देता हूँ। भाई इधर आओ, सब लोग खाओ, दो जल्दी जल्दी खाओ भाई। किसको किसको खाना है लो खाओ। और गाय के साथ मोए मोए हो गया गाइस, लेकिन मैं वीट और ब्रेड निकाल लेता हूँ चेस्ट से। एंड शीप भी भूखी होंगी, तो उन लोग को भी चल के मैं खिला देता हूँ। बेचारी कब से भूखे हैं, 100 जन्म से भूखा रखा है मैंने उन लोग को। ये देखो यहाँ पे हैं, और चिकन से काग दो हैं, मैंने कैसे भी ढूंढा भाई, बहुत मुश्किल से इन लोग मिले लोग। एंड इसके बाद गाइस मैंने थोड़ा सा क्ले कलेक्ट किया हुआ था, तो इन लोग से मैंने की ट्रेडिंग थोड़ी सी, बहुत पैसा लूटा मैंने इन लोग का, सॉरी एमरेड लूटा। एंड मेरी 20 XP हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं, बेड बनाने के लिए नेदर में जाके बेड ही फोड़ूंगा। तो बेड बनाने के लिए शीप का वूल लगेगा, तो इन लोग के बाल भी कट कर लेता हूं मैं। किधर हो भाई, बहुत कम शीप दिख रही है, इन लोग की ब्रीडिंग करानी पड़ेगी। तो गाइस मैंने शीप लोग को कर दिया है हल्का, देख सकते हो इन लोग को पूरा नंगा कर दिया। तो इतने वूल में काम नहीं होने वाला है, तो मैंने और शीप खोजी और इन लोग के बाल काटे। एंड इन लोग को खोजते खोजते एक विलेज मिल गई थी मेरे को, जिस विलेज में मेरे को ढेर सारा हेबेल मिला। तो ये सारा कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ घर अपने घोड़े पर बैठ के, एंड फिर से इन लोग की ब्रीडिंग कराना स्टार्ट कर देता हूँ। और एक स्टैक हेबेल है मेरे पास, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा वीट निकलेगा, एंड निकला भी। और मैं इन लोग की ब्रीडिंग करा देता हूँ, 100-200 संख्या तो पहुँचा ही दूंगा गाइस इन लोग की। और भाई खाओ यार, ये क्या हो रहा है, इन लोग को लग रहा है बट खा नहीं रहे। तू बाहर मिल, इन लोग भाई मेरे पे गुस्सा हो जाएंगे। लो भाई खाओ तुम लोग जल्दी जल्दी, और तू भी खा भाई, इसको तो मार ही जा रहा हूँ मैं गलती से लग जा रहा है। और इसने भी खा लिया, तो इन लोग की संख्या तो बढ़ानी ही है। अभी देख सकते हो मैंने बढ़ा दी है काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सा क्ले कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारा क्ले मिला, जगह जगह से मैंने बहुत क्ले कलेक्ट किया। और क्ले कलेक्ट करते वक्त मेरे को मिला क्या, ट्राइडेंट। ये रहा मेरा ट्राइडेंट। एंड मैं आ जाता हूँ घर पे और फिर से इन लोग की कटाई चालू कर देता हूँ। भाई बहुत सारी शीप हो चुकी हैं, तो अब मैं लिमिटेड वूल इन लोग से ले सकता हूँ। तो गाइस मैं रेडी हूँ क्या ट्रेडिंग करने के लिए, जा रहा हूँ विलेजर के पास गाइस, जो मैंने क्ले कलेक्ट किया था उससे ट्रेडिंग करने। एंड ये रहा वो मिशन भाई, दिन पे दिन इसके भाव बढ़ते जा रहे हैं, पैसा बढ़ाते जा रहा है, बहुत हरामी है भाई। मतलब कि क्ले काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा रहा है, 18 कर दिया भाई इसने, बहुत हरामी होते जा रहा है दिन पे दिन। और अपडेट हुआ बट मेरे काम की चीज़ देगा नहीं, तो यहाँ से मैं ब्रेड ले लेता हूँ थोड़ा इस विलेजर से। भाई ब्रेड दे दो यार सस्ते में। ओके, तो ब्रेड लेने के बाद मैंने कुछ गरीबों को काम दिया। भाई ये भीख मांग रहा था मेरे से कि भैया काम दे दो, तो भाई अब तू मेरे को बुक दे कोई अच्छी सी निकाल के। ओके, तो फाइनली इसने रेस्पिरेशन 3 दे दिया है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ नीचे, एंड यहाँ पे माइन करता हूँ मैं ऑब्जीडियन। मेरे को लावा मिल गया था, वाटर था मेरे पास, तो मैंने ऑब्जीडियन बना दिया। एंड मैं माइन कर लेता हूँ काफ़ी सारा, मतलब कम से कम 20 ऑब्जीडियन। तो 20 ऑब्जीडियन बोला था मैंने, बट 19 ही लेके आया हूँ। और काफ़ी सारा क्ले एंड वूल मैंने कलेक्ट कर लिया है। उससे पहले मैं नेदर पोर्टल बिल्ड कर लेता हूँ। सही बताऊँ नेदर पोर्टल मैं बहुत बार गलत बना देता हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से बना रहा हूँ गाइस। अब इधर लगेगा, मैं बहुत बार गलती करता हूँ नेदर पोर्टल बनाने में भाई, जब भी क्रिएटिव में खेलता हूँ। बट अब हार्डकोर खेल रहा हूँ, तो क्रिएटिव रेटिव इसमें हो ही नहीं सकता यार। इसका मतलब गाइस आप लोग मुझे नूब बोल सकते हो, एंड मैं नूब हूँ भी गाइस। इस नूब की जर्नी देखते रहना। एंड मेरा पोर्टल कंप्लीट हो गया। पोर्टल कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे डर्ट पड़ा हुआ था 2, तो मैं ये डर्ट उठा लेता हूँ भाई, बहुत काम ही आएगा। और फिर खा लेता हूँ एक ब्रेड, और इसके बाद मैं ये पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए लेता हूँ कुछ फ्लिंट। किधर है भाई इस चेस्ट में फ्लिंट, आयरन है, तो पहले मैं आयरन ही लेता हूँ 1।
एंड आयरन ले लिया मैंने। और इस चेस्ट में देखते हैं फ्लिंटा स्टील मैंने बना के रखा है गाइस। चलो कोई नहीं, और 61 डायमंड पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं पहले सो जाता हूँ यार, वरना ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे और नेदर में घुस के मेरे को मार डालेंगे, तो ये मैं नहीं चाहता। तो मैं सो गया एंड सो के फिर उठा, एंड उठने के बाद मैं सीधे जाऊँगा नेदर के पोर्टल में एक्टिवेट करने के बाद। तो यहाँ भाई मैं थोड़ा नू बोला था ना मैंने, मैं बार बार नीचे गिर जाता हूँ भाई। और यहाँ से मैंने लिया काफ़ी सारा वूल, और मेरे को नेदराइट कलेक्ट करने जाना है नेदर में। तो मैंने सारा कुछ ले लिया है, वुड देख सकते हो, पूरा तैयार होके जा रहा हूँ एकदम। तो पोर्टल को गया मैंने एक्टिवेट, एंड इसके बाद चलता हूँ मैं नेदर में। एंड गोल्ड की चीज़ें पहनना भूल गया था यार, मर जाता मैं। अच्छा हुआ गाइस याद आ गया, तो गोल्ड की चीज़ें ले लेता हूँ मैं। मेरे पास थोड़ा बहुत गोल्ड तो होगा ही। ओके, लेगिंग्स है और हेलमेट है मेरे पास, तो मैं लेगिंग्स ले लेता हूँ और ये वूल को रख देता हूँ इसमें। एंड अब चलते हैं नेदर में, बार बार मैं गिर जाता हूँ। तो आ गया मैं पोर्टल के पास और आ चुका हूँ गाइस मैं नेदर में। देखते हैं कैसा स्पॉन मिला है भाई, एकदम गड्ढे में स्पॉन मिला है क्या, छोटी सी जगह है यार। उसके बाद गाइस मैं बेड ब्लास्ट करने आ जाता हूँ, और मैं पूरा एंशिएंट डेब्री ढूंढने के बाद मिलता हूँ आप लोग से। तो गाइस मैंने लगभग 33 एंशिएंट डेब्रीज माइन कर ली हैं, और इसके बाद मैं चलता हूँ ओवर वर्ल्ड में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 33 एंशिएंट डेब्री है मेरे पास, तो मैं चलता हूँ अपने ओवर वर्ल्ड में। और इनको खोजने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत रिस्क था यार, लावा आ जा रहा था बीच बीच में, तो मैंने कैसे भी खोज लिया। और यहाँ रात हो रही है तो मैं सो जाता हूँ, वरना ज़ॉम्बीज मेरे को मार तो पाएंगे नहीं, डायमंड आर्मर है संभाल लेता मैं। एंड इसके बाद मैंने बनाए 3 फर्नेस, और इन सभी फर्नेस में मेरे को एंशिएंट डेब्री स्मेल्ट करनी है और बनाना है नेदर स्क्रैप। तो यहाँ पे मेरे पास कोल थोड़ा कम था, तो मैंने स्प्लिट कर लिया एंशिएंट डेब्री को, एंड ये तीनों फर्नेसों में मैंने रख दिया एंशिएंट डेब्री। एंड मेरे को कोल चाहिए था थोड़ा, तो मेरे ऊपर साइड में थोड़ा सा कोल मुझे मिल गया। एंड इसके बाद इसको मैंने किया गाइस माइन, कोल की ज़रूरत थी मेरे को, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सभी में थोड़ा थोड़ा कोल, और इतने में तो ये स्मेल्ट हो ही जाएंगे मेरे को लग रहा है। तीनों में मैंने डाल दिया, इसमें एक दो डाल देता हूँ, दो में स्मेल्ट हो जाएगा। 9 स्क्रैप बन चुका है, एंड टोटल गाइस सभी स्क्रैप बन चुके हैं। एंड मेरे पास 26 गोल्ड में माइन करके लाया हूँ, सॉरी माइन करके नहीं, मेरे माइन में रखा हुआ था, मैंने चेस्ट वेस्ट बना के रखा है माइन में, तो वहीं से लाया हूँ गोल्ड। एंड इसके बाद देखता हूँ कितने नेदरराइट बन जाएंगे, तो यहाँ पे देखो 6 नेदरराइट बन जाएंगे। तो अब मेरे को थोड़ी सी गोल्ड की ज़रूरत थी, एंड मैं अपना आर्मर इंचेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ गाइस। और मेरे को थोड़ा गोल्ड चाहिए, तो गोल्ड माइन करना पड़ेगा। एंड अब पूरा आर्मर इंचेंट कर लेता हूँ अच्छे से, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे नेदर में, और वहाँ ढूंढना पड़ेगा मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट। और मैं क्ले माइन करके लाया था, तो ये सारी क्ले को मैं बेच देता हूँ, इससे कर लेता हूँ ट्रेडिंग। और ये मैं सोचना होगा इस क्रिएटिव से लिया है, मैंने कुछ भी क्रिएटिव से नहीं किया है, मैंने क्रिएटिव हो ही नहीं पाएगा इसमें। एंड मैंने लगाया फिर बेड लगाने के बाद देख सकते हो और भी बेड लगाया मैंने, ताकि और विलेजर्स हों और मैं लाइब्रेरियन बना सकूँ। और यहाँ पर मैंने 2 मिशन कर दिए थे, और मैंने इन लोग से ट्रेडिंग की बहुत सारी, और इन लोग से बुक्स लिए मैंने। एंड बुक्स लेने के बाद मैंने बनाया अपना इंचेंटिंग रूम, तो नहीं कह सकते, बाहर में ही बनाया मैंने। और फिर इंचेंटिंग टेबल बनाने के बाद मैंने लगाया सैपलिंग, फिर उसके बाद पूरा इंचेंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, पूरे बुक्स लगा दिया मैंने, और यहाँ पे इंचेंट करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे लैपिस वैपिस माइन करके भी मैं लाया नीचे से, और इसके बाद यहाँ पे पूरा आर्मर मैंने उतार लिया, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अपना लेगेंस डाला, प्रोटेक्शन 3 मिल रहा था, नहीं चाहिए प्रोटेक्शन 3, फेदर फॉलिंग 4 मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिया भाई, इतना अच्छा था। एंड इसके बाद मेरे को इसमें प्रोटेक्शन 3, डेथ स्ट्रिप्स राइडर अनब्रेकिंग 3, और मैंने बुक्स ली, और इसके बाद ये वाली सैपलिंग खरीदी, और कुछ और सैपलिंग ले लेता हूँ, जारी सैपलिंग रहेगी तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद एक और वांडिंग ट्रेडर स्पॉन हो जाता है, तो ये भाई चेरी ब्लॉसम के सैपलिंग दे रहा था, तो मैंने ले लिया। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया साइड में, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, और भी है मेरे पास, तो यहाँ मैंने 3 ठो लगा दिया है। एंड इसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, और मैं अब बनाने वाला हूँ एक्सपी फार्म, क्योंकि मेरे को एक्सपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो एक्सपी फार्म बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने सारे कॉबस्टोन और सारी सामान बना लिया था, बनाने के बाद मैंने लगाया चेस्ट। एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये तोड़ा, ताकि मैं नीचे चेस्ट लगा सकूँ, ऊपर लगाऊँगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने नीचे चेस्ट लगाया। एंड इसके बाद यहाँ पे एक और चेस्ट लगाया, एंड इसके बाद इसके ऊपर हॉपर लगाया मैंने 4 ठो, मेरे को ठीक से कनेक्ट करने नहीं आता है, तो यहाँ पे देखो गाइस सही कनेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं, कमेंट करके बताना। तो मैं
पूरा बनाने के बाद ही मिलता हूँ आप लोग को, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो बना उससे पहले गाइस थोड़े से स्लैब लगा देता हूँ चाट हो यहाँ पे, फिर इसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ पूरा कंप्लीट होने के बाद। सो गाइस मेरा एक्सी फार्म मैंने बना लिया है एंड जो मैंने ट्रीज लगाए थे वो सारे हो चुके हैं बड़े, और यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग देख सकते हो। एंड ये मेरा घोड़ा शेयर कर रहा है भाई, घूम रहा है, एंड एक्सी फार्म भी वर्क कर रहा है। एंड इसके बाद मैंने अपने आर्मर पे लगाए इंचेंटमेंट्स, प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग, यही सब लगा के मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया वो, और एंड ट्राइडेंट और जितने भी टूल्स हैं, और एक गोल्डन बूट्स भी मैंने इंचेंट किया है ताकि मैं नेदर में पहन के जा सकूं उसको। एंड अब मैं चलता हूँ गोल्ड माइन करने, क्योंकि मैं गोल्डन एप्पल लेके जाऊँगा, मेरे को मरना नहीं है। तो मैं चलता हूँ नीचे और यहाँ पे माइन करता हूँ गोल्ड। सो गाइस मैंने काफ़ी सारा गोल्ड माइन कर लिया है नीचे से, एंड इसके बाद मैंने स्मेल्ट होने को रखा है। तीनों फर्नेस में देख सकते हो आग लगी हुई है, तो स्मेल्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे कुछ स्मेल्ट हो चुका है 20 एंड 44 हो रहा है, इसमें भी हो चुका होगा 20 एंड इसमें भी शायद 20 हो गया होगा, देखता हूँ। ओके, तो इसमें मैंने आयरन रखा था। एंड फिर गाइस मैं घूम रहा था डॉग्स के लिए ही, सॉरी वुल्फ्स के लिए, तो मेरे को टाइगर मैम मिल गई, तो इन लोग को मैंने कर लिया टीम। इन लोग मेरी सुरक्षा करेंगे नेदर में, इन लोग को साथ में लेके जाऊँगा। फिर मैंने ब्रीडिंग कराई इन लोग की, और इन लोग का खाना और अपना खाना मैंने ले लिया, और मैंने सारे काम की चीज़ें ले ली। गोल्डन एप्पल भी बनाना था मेरे को, तो गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ। और इन लोग मेरे को देखे जा रहे हैं भाई, मेरे को अजीब लग रहा है, बहुत सारे डॉग कर दिए मैंने, आप लोग देख सकते हो कितने सारे हो गए हैं भाई, पूरा झुंड हो गया है। और मैं अपने लिए गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ, 28 गोल्डन एप्पल हो गए मेरे पास, 8 तो मैंने पहले ही बना लिया था। एंड मैंने सारा कुछ ले लिया है, तो अब मैं चलता हूँ पोर्टल के पास, और मैं आ चुका हूँ पोर्टल के अंदर, और चलते हैं नेदर में। तो यहाँ पे गाइस मैं आ चुका हूँ नेदर में। अब मेरे को सबसे मुश्किल काम जो है ढूंढना है बेस्टियन। बेस्टियन ढूंढने के लिए मैंने बाहर निकलने का रास्ता सबसे पहले खोज लिया था, खोजने के बाद यहाँ पर मैं गोल्डन एप्पल साइड में रख लेता हूँ ताकि मैं मरूँ ना। एंड इसके बाद मैंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया गाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजर था और काफ़ी खतरनाक रास्ते थे, जिसकी वजह से मेरे वुल्फ सारे मर गए यार। फिर मारे हमने ये वाला, और मारे हमने ये वाला, और ये वाला मार के हमने कर दिया। तो गाइस हमने मार लिया ये वाला जितना भी मारना था, और भाई मेरे में आग लग चुकी है, मैं जल्दी से गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ। यार इन लोग मेरे पे चढ़े जा रहे हैं भाई, और निकलो भाई प्रजाति और चाहे सब आ जा रहे हैं मेरे पास। गाइस मैं ढूंढ रहा था बेस्टियन, मेरे को मिल गया नेदर फोर्ट्रेस, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया नेदर फोर्ट्रेस का, एंड मैं माइन कर रहा था अंदर, एंड मेरे को फाइनली बेस्टियन मिल ही गया गाइस। और इन लोग भाई अटैक करने आ गए मेरे पे देखते ही, तो गाइस यहाँ पे मेरे को लग रहा था ये मेरा आखिरी वक्त है, लेकिन नहीं भाई, मैंने बहुत कोशिश की जिंदा रहने की, लेकिन मैं बच गया यार। उसके बाद मारा हमने ये वाला, उसके बाद हमने लूटा ये वाला चेस्ट, उसके बाद एक और चेस्ट था इसको भी लूटा, इसको लूटने के बाद मैंने मारा ये वाला, ये वाला मारने के बाद मैंने मारा इससे बड़ा वाला, ये वाला मार के कर दिया खत्म, और मेरे को मिल गया फाइनली गाइस, मेरे को मिल चुका है स्मिथिंग टेम्पलेट। इसके बाद मैंने कुछ और चेस्ट लूटे, और इस चेस्ट में भी मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया। ये सारी लूट कलेक्ट करने के बाद गाइस मैं अपना पोर्टल भूल चुका था किधर था, बट कैसे भी करके मैंने खोजा यार, बहुत खोजा, बहुत खोजने के बाद 1 घंटे से लगभग मैंने खोजा। मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद गाइस मेरे को कोऑर्डिनेट्स अपने याद आ जाते हैं, तो फाइनली मेरे को अपना पोर्टल मिल गया। एंड मिलने के बाद चलो भाई चलते हैं ओवर वर्ल्ड में बहुत दिनों बाद, और ये रहा मेरा लेडर, इसके ऊपर चढ़ता हूँ मैं फटाक से, और यहाँ पे देख सकते हो क्या मस्त ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ क्या, नहीं ऊपर जा रहा हूँ गाइस। तो चलता हूँ मैं, सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, बस मेरे को अपना आर्मर बनाना है नेदरराइट का। तो चलता हूँ ओवर वर्ल्ड में, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं सस्ते नशे करने के बाद गाइस मैं आ चुका हूँ पोर्टल से बाहर, और मैं आप लोग को अपनी लूट दिखा देता हूँ थोड़ी सी, देख लो एक बार नजर डाल लो, ये देखो गाइस क्या मस्त लग रहा है ना।
तो अब मैं बना लेता हूँ, मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट एक अलग टाइप का मिला है और दो सेम, तो इन लोगों को मैंने सबसे पहले किया डबल। मेरा सारा डायमंड खत्म हो गया यार। खत्म होने के बाद मैंने अपने टूल और आर्मर को किया नेदर राइट का, यहाँ पे पूरे हो चुके हैं लेगिंग सैंडल्स के बाद बूट, सारा कुछ मैंने नेदर राइट का कर दिया एंड मैं कंप्लीट हो चुका हूँ पूरा नेदर राइट का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एकदम मस्त लग रहा हूँ। तो गाइस इस भाई ने जो डेयर दिया था मैंने वो कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही आप लोग भी कमेंट करके डेयर दे दो, मैं वही चीज़ अपने वर्ल्ड में बनाऊंगा। एंड प्लीज़ कमेंट करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलेंगे और भी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। Oh,